नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं डीटीवी। स्वागत है आपका रफ्तार में। अगर आपको 15 लाख में एक लग्जरी कार चाहिए तो आपको ये एपिसोड मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको 135 सीसी 125 सीसी की बाइक चाहिए तो भी आपको ये एपिसोड मिस नहीं करना चाहिए। अगले आधे घंटे में है ही इतनी सारी कहानियां। आइए सबसे पहले बताते हैं क्या क्या खास आपके लिए आज लेकर आए हम। आज हम सवारी करेंगे सुजुकी GS 150R। जी हाँ, सुजुकी की नई 150 सीसी की मोटरसाइकिल की। बजाज ने आखिरकार लॉन्च कर दी अपनी एक्सीड 135 सीसी इंजन के साथ। कितना ट्रांसफॉर्म कर पाई है ह्यूंडई सोनाटा ट्रांसफॉर्म को। अगर किसी शहर में आप देख रहे हैं कि आम कमर्शियल पोस्टर होर्डिंग्स और फिल्मी पोस्टर की जगह पर राजनीतिक पार्टियां और नेताओं के पोस्टर ज्यादा हैं, तो आप समझ जाइए कि आप चेन्नई में हैं। और अगर आप रेडियो लगा रहे हैं और बार बार ऐसे लिरिक्स वाले ए आर रहमान के गाने आपको सुनाई दे रहे हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप चेन्नई में हैं, क्योंकि हम भी पहुंचे चेन्नई नई सोनाटा के ड्राइव के लिए। करते हैं इसकी सवारी, देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोनाटा ट्रांसफॉर्म में। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी बचाव का सबसे बेहतर तरीका हमला ही है। आप माने या ना माने, ह्यूंडई का यही मानना है। कंपनी के मुंह से साफ है कि मंदी की मार से डरने के बजाय बेहतर है ग्राहकों को रिझाने के लिए नए और आक्रामक तरीके खोजना। इसी का एक तरीका है नई सोनाटा। तो इन फूल पत्तियों की छाव में हमने इस नई सोनाटा को लगा दिया। और हम जब कह रहे हैं नई, तो आप सोचेंगे क्या नया है इसमें, क्योंकि देखने में आपको पहले जैसी लगी। तो बदलाव थोड़े बहुत हैं जो बाहरी आप नोटिस कर सकते हैं, वो टेल लैंप पर आपको नजर आएंगे। आप ज्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा केवल अब सोनाटा है, यहाँ पर एम्बेरा की बैजिंग नहीं है। नई सोनाटा ट्रांसफॉर्म, ह्यूंडई की लग्जरी सेडान सोनाटा का नया और अपग्रेडेड वर्जन। आमतौर पर ऑटोमोबाइल बाजार में अपग्रेडेड अवतार बदनाम होते हैं क्योंकि बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक होते हैं, लेकिन इस कार के साथ वैसा मामला नहीं है। बदलाव हैं इंजन में भी, बाहर भी, अंदर भी, हालांकि बाहरी बदलाव ज्यादा नहीं है। हेडलैम्प में जो बदलाव ज्यादा ये चौड़ा हो गया, इसके अलावा जो पोजीशन है लैंप्स की वो बदल गया। इसके अलावा एडैम को पहले से ज्यादा चौड़ा किया गया है। हल्के फुल्के बदलाव जो आपको शायद नजर आए, आपको लगे कि हाँ ये कार नहीं है, लेकिन असली बदलाव अंदर है। और कंपनी उसी पर सबसे ज्यादा आस लगाए हुई है कि जब अंदर इतने सारे बदलाव देखेंगे तो ग्राहक वापस आएंगे सोनाटा की तरफ। सोनाटा का एक टाइम में वाकई राज था अपने सेगमेंट में, और अचानक अकॉर्ड के आने के बाद से जिस हिसाब से इसकी बिक्री बिल्कुल गिर गई, एम्बेरा भी वो संभाल नहीं पाई। और अब इस नई सोनाटा ट्रांसफॉर्म से कंपनी को उम्मीद है। अंदर बदलाव देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बदलाव देखेंगे और लग्जरी की बहुत सारी यहाँ फील और लुक में इसमें बदलाव किया गया है। चाहे वुडन फिनिश हो, काफी ज्यादा स्टाइलिश अब पहले से लग रहा है। इसके अलावा इल्यूमिनेशन जो है वो लाइट्स का, वो नीला कर दिया गया है जो इसके लुक को बदले। और लेदर का इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज्यादा किया गया है। कंपनी का दावा है कि अब ये पहले से कहीं ज्यादा एक कम्प्लीट कार है, और उस सेगमेंट के ग्राहकों के लिए जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, लग्जरी भी चाहिए और एक स्टाइल स्टेटमेंट भी। हमने इसे ड्राइविंग पोजीशन अपने हिसाब से सेट कर लिया है। पीछे देखते हैं क्योंकि असल ग्राहक जो इस कार का होगा वो पीछे ही बैठेगा, तो पीछे कितनी जगह बनती है, कितना आराम है, आइए जानते हैं। मेरी हाइट इंडियन एवरेज हाइट से थोड़ी ज्यादा, इस वजह से मैं उसे स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। इस सीट को हमने थोड़ा पीछे कर दिया है जो कि मेरे ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से है। फिर भी जगह है वो काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं लेग स्पेस काफी है, यानी आरामदेह है। और आर्मरेस्ट भी है और यहाँ कप होल्डर भी है। वैसे उम्मीद थी, जैसा कि दावा ह्यूंडई ने किया था, कि शायद यहाँ पर मुझे ऑडियो कंट्रोल की उम्मीद थी, लेकिन वो ही नहीं है। फिलहाल ये तो जरूर कह सकते हैं कि इस कीमत में एक अच्छा पैकेज या आरामदेह पैकेज हम कह सकते हैं।